Hello student, I am Renu Bhardwaj from Suraj School Mahendragarh. Welcome YouTube channel for Suraj Education Group. Today I will teach you LCM. Firstly, मैंने आपको SCF करवाया था, आज मैं आपको LCM का टॉपिक करवाऊंगी. LCM, what is a LCM? LCM means lowest common multiple. बेटा इसके दो मेथड और टू मेथड अप्लाई होते हैं. फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. हम स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताएंगे कि कौन सा मेथड किस तरह अप्लाई किया जाता है. फर्स्टली हम आपको लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सेम जैसे हमने एचसीएफ में फैक्टर बनाए थे उसी तरीके से हम इनके फैक्टर बनाएंगे. देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं 8 एंड 12. अब हमने 8 एंड 12 लिया है. नॉर्मल सी बात है, अगर हम इसको वैसे ही हमारे पास टेबल ऐसा है जिसके आप टेबल लिख सकते हैं, तो उसका एक मेथड ये भी होता है कि आप पहले टेबल लिख दीजिए. टेबल ऑफ 8 की हमने टेबल लिखी है, तो 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 8 5 40. उसके बाद हम टेबल लेंगे बेटा 12 की. 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 and 12 5 60. पहले हम 5 तक ले लेते हैं, जरूरी नहीं है हम कंप्लीट ही लिखें. आप सबसे पहले इसमें देखिए कौन सी डिजिट जो दोनों में सबसे पहले मैच हो रही है. तो हमारे पास हो रहा है 24, यानी इसका एलसीएम जो आप इसका आएगा वो हमारे पास आएगा 24. एक तो ये होता है, इस तरीके से हम छोटे छोटे डिजिट के हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम. जो सबसे फर्स्ट डिजिट होगी वही जो दोनों में अपेयर होगी वही जो है एलसीएम होगा. अब सेकेंडली जो आपको मैं मेथड बता रही हूँ जो प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो वैसे तो बेटा जो लॉन्ग डिजिट होती हैं उसमें अच्छे से अप्लाई होता है. जैसे कि अब इसी का आप पहले एक बार दिखा देती हूँ. हमने लिया 8, अब 8 का हम फैक्टर बनाएंगे. फैक्टर के लिए 8 इज ए इवन नंबर, सो इट्स डिविजल बाय 2. हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. तो मैंने पहले भी आपको ये बताया, अगर आपको इस तरीके से सीधा डिवाइड करना नहीं आता तो आप रफली में इसको आप जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 2 4 8 8 और 8 0, हमारे पास आंसर आया 4. इस तरीके से आप अगेन 4 इवन नंबर है, हम फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं 2, उसके बाद फिर 2. ये जब तक हमारा 1 नहीं आता हम इसके फैक्टर करते चलेंगे, बनाते चलेंगे. उसके बाद हम लेंगे 12 आल्सो इवन नंबर, तो हम यहाँ पर 2 से इसको फिर दोबारा डिविजन करेंगे. 2 6 12 2 3 6. अब 3 इज नॉट इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर. सो और जो ऑड नंबर होती हैं वो और 3 और के साथ साथ प्राइम नंबर भी है, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो ओनली डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ. तो अब ये इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा, यानी हमारे पास आ गया 1. अब हम इसके फैक्टर लेंगे 8. 8 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 12 के एंड 12 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3. अब बेटा एचसीएफ और एलसीएम में फैक्टर लेने में क्या, एलसीएम और एचसीएफ में फैक्टर लेने में क्या डिफरेंस है? देखिए एचसीएफ में मैंने आपको ये बताया था कि आप सिर्फ वो फैक्टर लेंगे जो दोनों में आ रहे हैं, यानी दोनों में अपीयर है वो डिजिट आप पिक करेंगे. लेकिन इसमें सबसे पहले हम इनके पेयर बनाएंगे. पेयर बनाया एक 2 का बना, दूसरे 2 का बना. अब सबसे पहले हम पेयर बनाने के बाद पहले हम पेयर वाले तो लेंगे ही कॉमन फैक्टर ले. तो बेटा 2 हमने ले लिया, फर्स्ट हमारा कॉमन फैक्टर निकला 2, सेकंड भी हमारा कॉमन फैक्टर निकला 2.
अब हमारे पास ये दो डिजिट रह गई, ये टू और थ्री। एचसीएफ में हम इनको नहीं लेते, लेकिन एलसीएम में जो डिजिट हमारे पास होती है हम उसको भी लेते हैं, यानी जो हमारे पास डिजिट बच गए टू और थ्री, इसको भी हम यहाँ पर मल्टीपल में लेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, और एट थ्री जा 24। अभी मैंने आपको टेबल के माध्यम से भी बताया था कि इसका 24 आएगा, और मैं आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन के उस मेथड से भी बता दिया कि इसका एलसीएम 24 आएगा। ये तो हुआ टू डिजिट का। फोर, अगर मान लीजिए वही बात है कि हमारे पास थ्री या फोर डिजिट का आ जाता है एलसीएम, तो भी हम उसमें सेम यही चीज करेंगे कि सभी के अलग अलग फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने के बाद उनमें से सेम वही चीज फिट करेंगे। जैसे कि अब हम ले लेते हैं, ये थ्री डिजिट के हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें भी बेटा वो सेम वही प्रोसीजर होगा कि हम पहले 26 के फैक्टर बनाएंगे, 26 के फैक्टर, उसके बाद हम 42 के फैक्टर बनाएंगे, और फिर हम 66 के फैक्टर बनाएंगे। अब 26, आपको पता है 26 यानी इवन नंबर क्यों? सबसे पहले हमें छोटे से छोटा वो टेबल लेना होता है जिसे डिविजिबल हो जाए, तो हम 2 लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड अब हमारे पास आ गया 13। तो आप लोग ये अच्छे से जानते हैं 13 इज ए प्राइम नंबर, सो इट्स डिवाइडेड बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। तो अब 13 को हम 13 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 1। अब 42 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 3 से हम फिर, क्योंकि 21 इट इज नॉट इवन नंबर, इट इज ऑड नंबर, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7। 7 इज आल्सो प्राइम नंबर, सो इट्स डिवाइडेड बाय ओनली 7 एंड 1, ये कंप्लीट। उसके बाद 60 से आप सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अब इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, फिर हम 3 से लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आप देखिए बेटा 11, 11 इज आल्सो प्राइम नंबर, सो इट्स डिविजिबल बाय ओनली 11 एंड 1, ये। अब हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं, फैक्टर आ जाते हैं हमारे पास 26, 26 के फैक्टर हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई 13। अब 42 के हमारे पास फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 66 के फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ये हमारे पास फैक्टर है। अब बेटा इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो इसमें से कॉमन तीनों में सिर्फ 2 आ रहा है। अब जरूरी नहीं है इसमें कॉमन हमारे पास तीनों में आए तो ही निकाल सकते हैं, अगर 2 डिजिट में भी कोई सेम डिजिट आ रही है तो वो भी हमारा कॉमन माना जाएगा। और देखिए जैसे कि ये 3 342 में भी आ रहा है और 66 में भी आ रहा है, तो इसको भी हम कॉमन लेंगे, ये ले लिया हमने। अब हमारे पास 13, 7 और 11 भी है, कोई बात नहीं। अब हम इसको पहले हम कॉमन वाले लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 3 जा 6,